दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके लिए मुझे डेली एक कमेंट और एक डीएम ज़रूर आता है, और वो ये है कि हम अपना सॉन्ग बिलीव म्यूज़िक से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और जब हमारा सॉन्ग अपलोड हो जाए तो उसके नीचे लिखा हुआ कैसे आए कि ये बिलीव म्यूज़िक से अपलोड किया गया है। आपने बड़े बड़े लेबल्स पर और बड़े बड़े सिंगर्स के सॉन्ग पर एक बिलीव म्यूज़िक का टैग देखा होगा कुछ इस तरीके से, तो आपके सॉन्ग पर भी ऐसा कैसे हो सकता है और क्या ऐसा हो भी सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइज मैं पिछले एक साल से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपके जितने भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूँ। गाइज सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बिलीव म्यूजिक है, ये एक सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन साइट नहीं है और आप इससे उस तरीके से सॉन्ग रिलीज नहीं कर सकते हैं जैसे और डिस्ट्रीब्यूशन साइट से करते हैं। यह आपका म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट तो करता है पर इसका प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है। बिलीव म्यूज़िक जो है ये एक तरीके से प्रोग्राम है और एक कम्युनिटी है जिसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है और ज्वाइन होना पड़ता है, और जो भी आर्टिस्ट इससे एक बार ज्वाइन हो जाता है उसका करियर ही बन जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन इससे ग्रुप में और कम्युनिटी में ज्वाइन होना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि आप इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते बल्कि वे आपको ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, बिलीव म्यूज़िक एकदम से किसी भी आर्टिस्ट को अपनी कम्युनिटी में ऐड नहीं करता है। इसमें ज्वाइन होने के लिए अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, ज्वाइन हर कोई नहीं हो सकता। आपको ज्वाइन होने के लिए अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, बट बिलीव म्यूज़िक के साथ काम करने के लिए आपकी एक फेस वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी फेस वैल्यू नहीं है तो आपका जो सपना है बिलीव म्यूज़िक के साथ काम करने का उसके चांसेस सिर्फ 1% है। तो अब सबसे पहले तो आपको बिलीव म्यूज़िक के साथ काम करने के लिए ज्वाइन कैसे होना है वो बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि इसमें अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपका करियर कैसे बनता है। सो गाइज मैं चुका हूँ यहाँ पर बिलीव म्यूज़िक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करना होगा। जूम करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, इस पर आपको लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा ज्वाइन अस आवर कमेंटमेंट्स ज्वाइन अस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको एक मेन ज्वाइन का बटन दिखेगा। यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा आर्टिस्ट एंड लेबल्स, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन अस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से जो है वो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ एक और इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या है, आर्टिस्ट के आर्टिस्ट आप हैं या फिर एक आप लेबल हैं जो आप ज्वाइन होना चाहते हैं बिलीव म्यूज़िक कम्युनिटी के साथ। तो आपको अपना आर्टिस्ट नेम यहाँ पर दे देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना रियल नाम देना है या फिर आप जिस नाम से अपना आर्टिस्ट नेम चलाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, फिर आपको अपना फेसबुक का लिंक देना है और यूट्यूब का लिंक देना है। उसके बाद में आपको इन ओवर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो इनके पास यहाँ पर पहुँच जाएंगी। फिर आपके चैनल को और आपकी फेसबुक आईडी को देखने के बाद आपके देखेंगे कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है या आप कितने पॉपुलर हैं। उसके बाद ये आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे ज्वाइन करने के लिए। सो अब जब आपने अप्लाई कर दिया और आपकी फेस वैल्यू भी है और बिलीव म्यूज़िक के सामने आप जो है वो थोड़ा बहुत बिलीव म्यूज़िक के आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि आपकी फेस वैल्यू भी है और बिलीव म्यूज़िक भी राजी हो गया है आपके साथ काम करने के लिए, तो करियर कैसे बनेगा आपको कुछ पॉइंट्स वाइज समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ बिलीव म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, आपका म्यूज़िक वर्ल्ड में जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर अपलोड किया जाएगा, चाहे वो ऑडियो प्लेटफॉर्म हो या वीडियो प्लेटफॉर्म हो। आपको सिर्फ अपने सॉन्ग की डिटेल्स भेजनी होंगी और जब प्रोसेस बिलीव म्यूज़िक करेगा, जितना सारा प्रोसेस होगा वो आपका टोटल प्रोसेस बिलीव म्यूज़िक खुद करेगा। भेजनी कहाँ है ये आप जब ज्वाइन हो जाओगे तो आप जब इनके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको मिलेंगे, कॉन्टैक्ट सर्विसेज मिलेंगी वहाँ भेजने होंगे, और वर्ल्ड वाइड ऑडियो और वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हाई सिक्योरिटी लेवल सपोर्ट, कॉपीराइट राइट्स, कंटेंट आईडी सब कुछ मिलेगा। एंड थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पूरी एनालिसिस के साथ आपकी अर्निंग्स दी जाएंगी और आप के पास एक लोकल फिजिकल मैनेजर होगा जिससे आप 24/7 कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, और जितने भी नेटवर्क और पार्टनर्स बिलीव म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी। सेकंड पॉइंट इज ट्रेड मार्केटिंग सर्विसेज, आप
आपको मार्केटिंग सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, वो है आपको एक एक्सपर्ट टीम दी जाएगी जो कि आपके लोकल की ही होगी। आपकी जो आने वाली न्यू रिलीजेज हैं और जो आ चुकी हैं उनका पूरा एनालिसिस विद उनको ग्रो करने की स्ट्रेटजीज, और आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिससे सॉन्ग्स पर इंगेजमेंट बढ़ेगी। और ये सब जितना भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इनमें से आपको कुछ नहीं करना है, सब वर्क आपका ब्लीव म्यूजिक करेगा। एंड लास्ट मार्केटिंग सर्विसेज इज़ आपका इंटरनेशनल कंपेरिजन क्रिएट किया जाएंगे जिससे कि जो अनविल्ड ग्लोबल नेटवर्क्स हैं उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकें। थर्ड पॉइंट इज़ वीडियो सर्विसेज, जिसमें आपको कंटेंट मैनेजमेंट, वीडियो चैनल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस और चैनल ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज साइंस सर्विसेज, जिसमें आपको क्रिएटिव सर्च, लाइसनिंग, बाइस्कोप कंपोजिशन एंड ब्रांड पार्टनरशिप की सुविधा दी जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव साइंग प्रोवाइड मस्ट फॉर वी नोट एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन, फिल्म सेलेक्शन फॉर इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड लेबल्स, यानी कि आपका जो म्यूजिक होगा उसकी एडवर्टाइजिंग से लेकर फिल्म और टेलीविजन तक प्रमोट बिलीव म्यूजिक कम्युनिटी खुद करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। एंड फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज एडिशनल सर्विसेज, जो कि हैं फाइनेंशियल, नाइबरिंग राइट्स, इंटरनेशनल कंपेजेंस एंड साइंस सर्विसेज, ये सब एडिशनल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी भी इन पांच सर्विसेज के अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। जो मेन मेन सर्विसेज हैं वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि बिलीव म्यूजिक एक फिल एंड कम्प्लीट पैकेज है आर्टिस्ट और लेबल्स के लिए, और ये जितने फीचर्स हैं आपको इनमें से खुद कुछ नहीं करना है। जब आप इसके पार्टनर बन जाते हैं यानी कि इनकी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाते हैं, ये सब आपके लिए कर दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो बिलीव म्यूजिक के साथ ज्वाइन हो जाता है उसका करियर बन जाता है। अब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।